21 से 25 अप्रैल 1976 किंगस्टन के सबीना पार्क मैदान पर वेस्टइंडीज भारत के बीच खेला गया टेस्ट मैच। इस टेस्ट मैच को विशन सिंह बेदी की कप्तानी वाली टीम के सदस्य शायद ही कभी भूल सकेंगे। ये वो टेस्ट मैच था जब माइकल होल्डिंग, वैन डेनियल, बर्नार्ड जूलियन और वान बर्न होल्डर की तेज गेंदबाजी की चौकड़ी ने भारतीय गेंदबाजों की जान आफत में डाल दी थी। इस मैच में 3 बल्लेबाज चोटिल हुए थे और 5 गेंदबाज डर की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे। अब 43 साल बाद उसी सबीना पार्क मैदान पर एक 25 साल के युवा भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के आगे कैरेबियाई बल्लेबाज नतमस्तक होने पर मजबूर हो गए। दूसरे टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले बुमराह के प्रदर्शन से जरूर उस दौर के भारतीय बल्लेबाजों के दिलो दिमाग में बैठी कैरेबियाई तेज गेंदबाजों के खौफ की कहानी के दर्द को गर्व में तब्दील कर दिया होगा। 1976 के उस टेस्ट की पहली पारी में कैरेबियाई तेज गेंदबाजों की चौकड़ी ने गुंडप्पा विश्वनाथ की उंगली तोड़ी, ब्रजेश पटेल के मुंह पर गेंद मारी और अंशुमान गायकवाड़ के तो गेंद कान के पास लगी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। नतीजा ये था कि दूसरी पारी में 5 विकेट 97 रन पर गंवाने के बाद बाकी के 5 बल्लेबाजों में से 3 चोटिल होने, जबकि 2 खिलाड़ी डर की वजह से बल्लेबाजी करने नहीं आए और टीम उसी स्कोर पर ऑल आउट होकर 10 विकेट से मैच हार गई। उसी मैदान पर अब अजीबोगरीब एक्शन वाले बुमराह ने अपनी काबिलियत और गति से कैरेबियाई बल्लेबाजों को आईना दिखाया तो विश्व का सबसे बड़ा बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली भी उन्हें क्या कमाल का गेंदबाज है कहने से खुद को नहीं रोक पाए। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों के दौर में पहली बार भारतीय क्रिकेट जसप्रीत बुमराह का दौर देख रहा है, वो दौर जिसमें बुमराह की रफ्तार और स्विंग की दुनिया भर के बल्लेबाजों में उसके खौफ की कहानी बयां करती है। अहमदाबाद में जन्मे बुमराह पर 2013 में मुंबई इंडियंस की नजर पड़ी। ये बुमराह की खुशकिस्मती थी कि आईपीएल में सबसे बड़े दस्ते वाली टीम का वो हिस्सा बने जहां सचिन तेंदुलकर, शेन बॉन्ड, लसित मलिंगा, जहीर खान जैसे दिग्गज थे। बुमराह के सफर को मलिंगा के साथ ने चमकाया, सटीक यॉर्कर उसमें से ही सबसे बड़ा हथियार थी। अमूमन 4-5 कदम चलकर लगातार 140 से अधिक की गति से गेंद करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन बुमराह इसका सटीक उदाहरण बने। बता दें कि बुमराह को 2016 में भारतीय T20 टीम में जगह मिल गई, फिर वो वनडे टीम का हिस्सा बने। क्रिकेट के जानकार उन्हें टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं मानते थे, लेकिन बुमराह ने कप्तान और टीम का पहले भरोसा जीता और फिर अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। बुमराह अच्छी तरह से जानते थे कि क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में उन्हें कुछ नया सीखना होगा और ये उन्होंने वेस्टइंडीज में आउट स्विंग सीखकर बता भी दिया। तभी तो 1.5 साल से भी कम के टेस्ट कैरियर में बुमराह के दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अब वेस्टइंडीज की पारी में 5 विकेट चटकाए और ऐसा करने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने। यानी बुमराह अब पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अब तक जिस भी टीम के खिलाफ टेस्ट मैच खेले हैं सबके खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट लिए हैं। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।